क्या बिहार की जनता 15 सालों में सरकारों से ऊब जाती है? हमने देखा पिछले 30 सालों में कि 15 साल बनाम 15 साल पर कई चर्चाएं हो चुकी है और नीतीश बाबू जंगल राज का डर दिखाकर चुनावों में इसे भंजाते हुए भी नजर आते हैं और आते थे। इस बार भले ही वह कुछ झुके हुए नजर आए या वोटिंग के पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर हमें जनता नहीं चुनेगी तो हम आराम करेंगे और सेंट्रल में जाने की भी बातें हुए, एक अलग आम पब्लिक में जो चलती है आम गपशप वो अलग हो चली थी। मगर नीतीश कुमार ने इन 15 सालों में क्या किया? उन 15 सालों में माहौल तो बदला ही। 2005 से 10 का जो उनका कार्यकाल रहा वो अपने ही कार्यकाल से वह चुनौती पाते रहे कि वैसा फिर कार्यकाल नहीं बना। पिछली चुनाव महागठबंधन के तरफ से लड़े थे मगर उसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे। बीच में जो वह जब छोड़ कर गए तो उनका एक इमेज दलबदलू, भगोड़ा या कहें पलटू चाचा का बन गया और नामकरण भी तय होने लगा। मगर जो बातें थी कि बिहार में क्या हुआ और बिहार में काब आकर के कई गाने हिट हो चुके हैं और उसके जवाबी गाने भी रिलीज हो चुके हैं और लोग सुनकर अलग अलग प्रकार से अपने व्यंग करते हैं और उस पर विश्लेषणात्मक भी अध्ययन कर बैठते हैं। जो बातें नीतीश के कार्यकाल की रही वह यह रही कि इन 15 सालों में लॉ एंड ऑर्डर और अफसरशाही बढ़ी, जहां पर पैसे का रेट भी तय हुआ और नीतीश कुमार के विधायक खुद उससे उबे हुए नजर आए और ये एक चलचला कि बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग रहा है और बिहार SSC, दरोगा बहाली और बेरोजगारी को लेकर नीतीश कुमार घिरते नजर आए। अपने ही लोगों के बीच में कई बार उनकी ही NDA की ही पार्टी जो चिराग पासवान थे वह खिलाफ जाकर चुनाव लड़े, मगर फिर भी बता दें कि छात्रों के मुद्दे का समस्या का समाधान ये सरकार नहीं कर पाई। बाढ़ का भी समस्या एक ऐसा समस्या रहा जिस पर नीतीश कुमार ने कुछ किया मगर बहुत कुछ नहीं हुआ। मगर उन्होंने एक ऐसी रेखाएं खींचने का प्रयास किया है नीतीश कुमार ने कि अब जो भी आएंगे काम होगा। अब तक 1960 के बाद हम देखते हैं बिहार की राजनीतिक स्थिति, तो 1960 से 90 का जो दौर रहा वह कई मुख्यमंत्री सप्ताह भर के लिए बने, कई साल भर और महीने भर के लिए बने। जो उसके बाद 90 के बाद बने लालू प्रसाद, उनका राज पे अब ज़्यादा कुछ कहने के बाकी नहीं रह गया। जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश देकर उसका जवाब दे चुके थे और 2010 में इतना बड़ा जनादेश दिया कि पार्टी सीधे गर्त में जा रही थी, मगर उसके बाद फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास नीतीश कुमार ने ही किया और मिलकर 1.5 सालों तक लगभग सरकार चलाई और छोटे भाई बड़े भाई करके। मगर जो बीच में उन्होंने कार्यकाल छोड़ा उससे नीतीश जी का इमेज खराब हुआ। अब लोग कहते हैं हमें जो कहने की स्वतंत्रता मिली नीतीश सरकार में उसकी तारीफ करनी होगी, जो काम खराब हुआ है या जो काम अच्छा हुआ है उसको गरियाने का अगर अधिकार था तो वह नीतीश सरकार में ही था। आगे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे उसका हम बात नहीं कर रहे हैं या नीतीश कुमार की तारीफ करने के लिए हम नहीं बैठे हैं या हम उनकी तारीफ की हम ज़्यादा समीक्षा नहीं कर सकते हैं, मगर उनमें क्या हुआ उस पर एक बात होना चाहिए। स्वतंत्रता मिली पत्रकारों को, आम लोगों को, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनेक विविधताओं के बीच में भी कुछ एक चीज़ था जो अच्छाई की सुगुगाहट को दिखला रही थी, मगर बेरोजगारी और रोजगार को लेकर घिरते हुए नजर आए। यहाँ पर न फैक्ट्रियाँ उस प्रकार से लगी, न रोजगार के माध्यम का समाधान हुआ, इसलिए युवा जो थे वह भटके और पूरी तरह से भटके। मुख्यमंत्री बने न बने मगर जो सड़कें बनी, चाहे वह सड़कों में अब गड्ढे हो जाएं या सड़कें काफ़ी अच्छा हो जाए, उस पर से बात हट करके यह सोचें कि कोई कोना से कहां राजधानी में पहुंच जा रहा है, इसका पूरा तारीफ नीतीश कुमार को जाता है कि उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया बिहार के लिए। हो सकता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर न हो मगर पहले हॉस्पिटल कितने थे यह भी एक बड़ा विषय है। स्कूलों के बिल्डिंग का हालात कैसे थे, आज भी खराब है मगर पहले से कैसे थे उस पर नीतीश कुमार जीतते हुए नजर आते हैं और उसी को वोट में बन जाते हैं, यह एक अलग विषय है। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि नीतीश जी रहें न रहें मगर जो हमें कहने की स्वतंत्रता दी, दरोगा बहाली में जिस प्रकार से हम लोगों ने एक प्रकार से उस स्कैम पे बात की कि सरकार के घोटाले पर बात की, बिहार स्टेट को लेकर जो खुलेआम कहने की आज़ादी मिली, बिहार SSC में 7 साल से मामला लटका हुआ है, सरकार गलत कर रही थी, इस सरकार में गलत को गलत कहने का हक दिया है, इसीलिए वह बधाई और धन्यवाद के पात्र हमेशा रहेंगे। मुख्यमंत्री होना न होना एक अलग विषय है। तेजस्वी जी आएंगे अगर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें भी बधाई और शुभकामनाएं, नीतीश कुमार अगर फिर से वापसी करते हैं तो उन्हें भी बधाई और शुभकामनाएं। जो भी बने बिहार का भला चाहें और बिहार का भला करें। अभी के लिए कैमरा के पीछे संतोष जी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बताने के लिए, कहने के लिए, इसमें कुछ पंक्तियाँ उनकी भी है। अभी के लिए उनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, उन्होंने यहाँ पर हैं, कैमरा पकड़े हैं, धन्यवाद।